बैंक में रुपए जमा करने जा रहे ट्रांजैक्शन कंपनी के एजेंट से 9 लाख की लूट। मालूम हो कि सुल्तानपुर जिले के कादीपुर में सोमवार 11 बजे लगभग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी दुर्गा तिवारी 9 लाख रुपया बैंक में जमा करने जा रहा था। वह अपने ऑफिस से कुछ दूर पहुंचा था कि बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के दम पर 9,02,000 रुपए जिस बैग में रखे थे उसे लूट लिया व धक्का मारकर सड़क पर गिरा दिया। सूचना पर तत्काल पुलिस ने नाकेबंदी कर शुरू की जांच पड़ताल। घटना कादीपुर थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार की 9 लाख रुपए की लूट की घटना को पुलिस संदिग्ध मान रही है। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी शिवहरि मीणा, एडिशनल एसपी ने फौरी जांच में विभिन्न पहलुओं पर अपनी नजर दौड़ाई। उच्च अधिकारियों का मानना है कि 3 मिनट के भीतर ही वारदात घटी है। अभी 9,02,000 रुपए की लूट जो एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा की गई है, इस घटनाक्रम में क्या है और क्या हुआ है इसमें अभी तक? आपको बता दें कि 9 लाख की लूट की सूचना एक युवक के द्वारा दी गई है। हम घटनास्थल पे आए हैं। आपको बता दें सुबह से ही पूरे जनपद के बॉर्डर सील हैं। आप खुद भी निकलेंगे तो आपको ये चीज़ कदम कदम पे दिख जाएगी। हर थाना क्षेत्र में दो से तीन जगह पे चेकिंग कंटिन्यू हो रही है, हर बाइक की चेकिंग हो रही है। बॉर्डर भी हमारे सील हैं तो पूरी तरीके से बॉर्डर को सील करके चेकिंग फ्रिस्किंग हो रही है। उसके बाद भी एक युवक के द्वारा सूचना दी गई है कि वो एक कंपनी से 9 लाख रुपए लेके चला और उसके बाद में लगभग 500-700 मीटर जाने के बाद में दो युवक आए और आकर उसका बैग छीन लिया और वो गिर गया और गिरने के उपरांत उसका बैग निकाला और बैग निकाल कर वो लोग चले गए। हम अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ना तो युवक को कोई चोट लगी, जबकि वो बता रहा है कि रोड पर वो गिरा था, ना तो युवक को कोई चोट लगी है, ना ही उसकी शर्ट गंदी हुई है, ना ही उसकी बाइक में स्क्रैच आए हैं। और इवन देन आसपास के सामने वाले जो दुकानदार हैं वो भी हमें ये बात कह रहे हैं कि साहब यहाँ पे ना तो कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई रोड पे गिरा है। फिर भी पुलिस घटना की सत्यता की जांच करने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बारिश हम लोग बाकी